नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं नेहा बंसल, द स्टार न्यूज में आपका स्वागत करती हूं। आइए देखते हैं आज की खास खबर। सबको सादर जय श्री राम। जैसे रामनवमी के बारे में बताता हूं कि भगवान राम जो मर्यादा पुरुषोत्तम है और सभी को प्रेरणा देते हैं कि किस तरह से आप मानवता में रहते हुए एक साधारण सा जीवन जीते हुए भी उन्होंने उनको भगवान की उपपत्ति प्राप्त हुई है, तो उसी विषय में हम राम जी का उत्साह बीते 12 वर्षों से हम मनाते जा रहे हैं। ये हमारा 13वां वर्ष है और इस वर्ष भी हम बहुत जोशों और एकदम धूमधाम से ये उत्साह हम मना रहे हैं। सभी यहाँ के जितने मित्र मंडल हैं उनसे संपर्क हुआ है। यहाँ पे आप हमारे नगर भ्रमण जब आप करेंगे तो आपको साफ साफ नज़र आएगा कि हर पार्टी, चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो, मनसे हो या जो भी पार्टी हो, उन सभी का सहभाग हमारे साथ है। सभी ने हमारे स्वागत की तैयारी कर रखी है और ये जो कार्यक्रम है ये किसी पक्ष का नहीं है, किसी उसका नहीं है। ये जो कार्यक्रम है ये हिंदू समाज का है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम सभी हिंदुओं के थे, तो हम सभी हिंदुओं से निवेदन किए हैं, सभी का सहयोग लिए हैं और उनके माध्यम से ये यात्रा हमारी निकलने वाली है और काफ़ी विराट स्वरूप इसका रहेगा और कल इसको आपकी एक झलक आप सभी को देखने को मिलेगी। इसकी यात्रा में क्या क्या रहेगा, कितने लोग शामिल होंगे इस यात्रा में? यात्रा को मैं आप बताता हूँ कि मिथिला हनुमान मंदिर से ये प्रारंभ होगी, रहमत मस्जिद रोड से बाहर निकलेगी, न्यू ओल्ड लिंक रोड पर जाएगी। ओल्ड लिंक रोड से आपको ट्रिनिटी वाला जो रास्ता है, फिर वहाँ से संजय नगर, लालजीपाड़ा, न्यू लिंक रोड, 90 फीट रोड और समापन वापस मिथिला हनुमान मंदिर में होगा। ये यात्रा पूरी और पूरी सांस्कृतिक रहेगी। जैसे हम देखते हैं कि काफ़ी लोग डीजे लगाते हैं, इसका सहारा लेते हैं यात्रा को सफल करने के लिए। हमारी यात्रा का कंसेप्ट ये रहेगा कि हमने एक मंत्र दिया है, श्री राम जय राम जय जय राम। इस मंत्र के साथ हम यात्रा निकालेंगे। हमने कीर्तन के माध्यम से लोगों को जो मतलब उत्साह मनाने के लिए बोलेंगे और ये ना डीजे इसमें कुछ हो रहेगा, हाँ ढोल रहेंगे पर डीजे कहीं पे भी नहीं रहेगा, क्योंकि डीजे एक विदेशी संस्कृति है और वहाँ पे लोग कुछ ना कुछ लोग आके मदिरा पान करते, एक इवेंट के तौर पे उसको मनाते हैं। हमारी यात्रा का कंसेप्ट यही रहेगा कि संस्कृति और लोगों के अंदर भक्ति निर्माण हो, ना ही कोई इवेंट निर्माण हो ताकि वो उत्साह मनाए और चले जाए। भक्ति निर्माण होगी तो आने वाले समय में सभी लोग जागरूक होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हिंदू समाज का काम बढ़ेगा और हर हिंदुओं को यही संदेश दे रहे हैं। इसके लिए हमारी यात्रा में सत्संग का सहारा लेते हुए ये यात्रा पूरे सत्संग के माध्यम से निकलेगी। कितने की संख्या में श्रद्धालु इसमें शामिल होने वाले हैं? हमारा अनुमान है कि इस बार कम से कम 4 से 5 हज़ार लोगों की हम अपेक्षा करते हैं, बाकी प्रभु राम जी की कृपा वो जितना कहा कर। 5 हज़ार लोग आएंगे तो सुरक्षा के लिए क्या इंतजाम किए गए हैं? सुरक्षा के तौर पे बजरंग दल के जितने कार्यकर्ता हैं, पिछले 12 वर्षों से हम ये कार्यक्रम करते आ रहे हैं, पुलिस का भी सहभाग हमारे साथ रहता है और हम कोई भी ऐसा काम नहीं करते हैं जिससे समाज में कुछ गलत संदेश जाए। तो हमारे बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को इस बार सबको निर्णय दिया गया है कि आप सबकी सुरक्षा में ध्यान देंगे, ना कि आप उत्साह में ध्यान देंगे। महिलाएं हमारे साथ आती है, बच्चे आते हैं, बुजुर्ग आते हैं, युवाएं आते हैं, तो सभी को एक नियंत्रण करते हुए, कंट्रोल करते हुए हम ये यात्रा यहाँ से निकालेंगे और सुरक्षा का हर चप्पे पे हमने बरोबर उस पर ध्यान दिया हुआ है। जो लोग 12 साल में वंचित रह गए इस यात्रा में शामिल होने से, अभी तक आए नहीं है, उनको किस तरह से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे बुलाने के लिए? देखिए, मैं सभी हिंदू भाइयों से ये निवेदन करता हूँ कि आप अपना पक्ष छोड़ दीजिए, आप अपना जाति भात सब छोड़ दीजिए। मतलब हमारी यात्रा में अगर कोई आए तो कोई यादव बन के नहीं आए, कोई गुप्ता बन के नहीं आए, कोई सरोज बन के नहीं आए, कोई राजपुरोहित बन के नहीं आए, कोई पाटिल बन के नहीं आए। हमारी यात्रा में अगर कोई आए तो हिंदू बन के आए, चाहे आप बीजेपी से जुड़े हो, चाहे आप कांग्रेस से जुड़े हो, चाहे आप शिवसेना से जुड़े हो, चाहे आप मनसे से जुड़े हो, चाहे आप MIM से जुड़े हो, पर हमारा संदेश यही है कि आप जब हमारी यात्रा में आए तो ये हिंदू समाज की यात्रा लगनी चाहिए, ना ही किसी पक्ष का लगना चाहिए। और विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल खाली इसका नेतृत्व कर रहा है, बाकी पूरा कार्यक्रम समाज का है और किसी का नहीं। टाइमिंग क्या रहेगा इसका? टाइमिंग शाम को 4 बजे आप सभी को भारी से भारी संख्या में यहाँ पे आना है और 4 बजे हमारी यात्रा का स्वरूप आप सबको दिखने लगेगा। मैं तमाम यहाँ के हिंदू भाइयों से निवेदन करता हूँ, गणेश नगर के भाइयों से निवेदन करता हूँ और कांदीवली के सभी भाइयों से निवेदन करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप 4 बजे यहाँ आइए, ताकि भगवान श्री राम जी की पालकी का एक आशीर्वाद आपको भी मिले, उसमें जो सुखद पल के जो निर्णय है वो आपको भी उसमें लाभ मिले और आप अपने जीवन में उसको उतारिए और आने वाले समय में अपना अपना जीवन बेहतर बनाए। फिल्म, क्राइम, राजनीति और धर्म से जुड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए द स्टार न्यूज़।